गाइस, तो आज हम जा रहे हैं धार के ऊपर, बहुत मजे लेंगे और हमारे वीरू भाई भी है साथ में, तो आज हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे। तो ठंड भी है आजकल, तो वीरू भाई ने टोपी लगाई है, जैकेट लगाई है, मेरे को बोल रहे हैं जैकेट क्यों नहीं लाई है। तो अभी हम जा रहे हैं, बहुत टाइम लेट हुआ है, उधर टाइम से पहुंचना है हमने। तो भाई वीरू भाई ने पहुंचना है 10:30 बजे उधर, तो टाइम हमें यहाँ पे 9:30 हो गए हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे पहुँचना है, हमें कैसे नहीं पहुँचना है, बहुत दौड़ लगाई है हमने। तो अगर वीरू भाई टाइम पे नहीं पहुँचे तो इनकी शाम तो आ जाएगी, तो तेरी बारी आएगी, फिर इन्होंने मेरी वार लगानी है। ये बोल रहे हैं पहले से तूने लेट किया है। मैंने इसको कहा था कि 8:45 पे तू मेरे घर में पहुंच जाना, क्योंकि जो हमने जाना है भोंतराग वो बड़ा दूर है, और 10:30 पे वहाँ पहुँचना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ये आया कोई 9:15, ये बेचारा जमीन तरह आदमी भी है, मोबाइल चलाता है इसके पास भेड़े हैं बहुत सारी, उनको चलाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, हम अभी चंपान धार के पास पहुँच रहे हैं, और हम ऊपर पहुँच के आपको चंपान धार को भी दिखाएंगे कि कैसी है वो। आज तो हरियाली नहीं है, लेकिन चलो जितना सा है तो अब आपको दिखाएंगे। ये है धर्मशाला का एरिया, तो ये जो सामने दिख रहे हैं आपको, ये चंपान धार है, तो इसको हम ऊपर से दिखाएंगे आपको जब ऊपर जाएंगे। तो ये हम जा रहे हैं इधर से रास्ता, तो वो जो आपको ऊपर टॉप दिख रहा है, हमने यहाँ से जाना है, तो ऊपर वो टॉप भी है एक, उसको क्रॉस करके जाएंगे हम। ओए विमल, यहाँ से राइट हो जा, राइट में चल, यहाँ के यहाँ तो जंगल में जाना है। आप जंगल जंगल चारों ओर, तो ये है हमारी चंपान धार का नजारा। तो वो जो सामने दिख रहा है आगे, वहाँ पे है हमारे नाग देवते का मंदिर, रुक अच्छा मंदिर है तो यहाँ पे, और वो जो जो आगे वाली जगह है उसके बारे में बोल, रुक। यहाँ पे है वो क्या है, क्या विमल, किले वाली माता। हाँ, तो यहाँ पे हम गर्मियों में क्रिकेट खेलते हैं। आपको मैंने बड़ी सारी वीडियोस डाली होंगी वहाँ पे गेम की। हाँ। तो अगर चलो नहीं याद तो यादाश के लिए एक वीडियो डाल दूंगा मैं। हाँ। और यहाँ पे हम खेलते हैं, और ये चंपान धार है, यहाँ पे हर साल रक्षाबंधन के 20 दिन बाद यहाँ पे लगता है मेला, और यहाँ से हमने ऊपर जाना है जहाँ पे हमने पहुँचना है वहाँ। विमल अभी का टाइम हुआ है, अभी हुआ जी 9:55। हाँ, तो हमने पहुंचना 10:30 बजे। हाँ। तो हम बहुत दौड़ लगा रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा वीडियो भी बना रहे हैं और चल रहे हैं आगे। तो अब ये बोल के हमें अभी कितना दौड़ना पड़ेगा कि हम टाइमली पहुंचे। हमने बहुत दौड़ना है भाई, इधर से ये ऊपर से चढ़ाई भी है, तो अभी हमने दौड़ना है इतना कि पूछो मत। तो अभी यहाँ से जंगल से है थोड़ा सा रास्ता, तो चलो जंगल में भी जाना पड़ेगा। चलो जंगल दिखाएंगे हम आपको, ठीक है, जंगल भी दिखाएंगे। और शेर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हमें खा जाएगा, हमें उसने खाया तो फिर तो मुश्किल है ना। नहीं नहीं खाएगा आपको शेर, तो वीरू भाई की टेंशन है क्योंकि वीरू भाई का चैनल फिर बंद हो जाएगा, तो यूट्यूब चैनल फिर हम किसके मोबाइल में खोलेंगे। तो यही है, तो अभी हम जा रहे हैं जंगल से। वीरू भाई जंगल दिखाओ, जंगल दिखाएंगे अभी, इधर वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसको रोकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम पूछे हैं यहाँ का नाम है, क्या नाम है यहाँ का मुझे याद नहीं है, सुनार का डल। तो अभी यहाँ पे पहुंचे हम, यहाँ पे हम बेड बक्सियों के साथ आते हैं, तो यहाँ पे हम बेडों के ऊपर जैसे बंदर खेलते हैं। अच्छा अच्छा, तो बंदर बन जाते हैं, खेलते हैं, उछल तो कूद करते हैं। ये है इधर आगे सुनार का डल, हाँ। तो इसमें पानी नहीं है ना, यहाँ कोई सुनार रहता है ना, इसमें पानी है, ये कौन सा डल है बिल्कुल, यहाँ का नाम है ये सुनार का डल। तो ये तो जंगल है, उधर आगे भी जाते हैं हम, तो वहाँ पे हम बैट बॉल भी खेलते हैं। अच्छा मुझे एक बार बोल, जो ऊपर जगह उस जगह का नाम बोल तू पहले भाई, ये सारा सुनार का डल होता है। ये बोलो ना, ये टॉप ऊपर टॉप, यहाँ टॉप का क्या नाम है, यहाँ का टॉप भी का नाम भी है ये, ये तो सारा सुनार का डल बोलते। घोड़े का उत्तर कहाँ पे हुआ है, घोड़े का उत्तर इधर नीचे नीचे हुआ। अभी हम घोड़े के उत्तर से आगे चले गए, तो वीरू भाई आज थोड़े मुस्कुरा रहे हैं। वीरू भाई क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो ऐसे यार। अच्छा कोई विचार नहीं है। अच्छा तो अभी ये देखो भाई, जंगल थोड़ा आगे ऐसे दिखेगा साफ, जंगल नहीं है,
तो ऐसे रास्ता है तो हम जा रहे हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं दंडासन माता के जो मंदिर है, मैंने ऑलरेडी बड़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। और अभी हम हैं विमल यहाँ के नाम के घोड़े तितर। हाँ, तो हम अभी वहाँ पे हैं, तो यहाँ से लगेंगे हमको 10 मिनट लगेंगे। बीच में बिल्कुल घना जंगल है, 10 मिनट का जंगल है हमें बीच में, पर हमें दूर देखे वो जंगल क्रॉस करना है क्योंकि हमें बड़ी देर हो चुकी है। तो वीरू आपकी कैट कहाँ है आज यार? मेरी कैट घर में है यार, उसको भी लाना था साथ में, वो वीडियो में उसको भी दिखाते हम। लेकिन दूर नहीं आ सकती वो कैट। हाँ, तो आप उसको खाना शाना देते हो कि नहीं देते? तो वो सामने बोलिया है वो वहाँ पर, तो वहाँ पे नीचे से सड़क से हम जाते हैं, तो इधर से नीचे हम जाते हैं सियोवा स्कूल में, तो अजवीर भाई भी आते उधर कभी कभी। तो अभी तो भाई जो ये आगे जंगल है तो इसको हम पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी अगर पूरा जंगल दिखाना होगा। तो अभी हम घोड़े तुतर और डंडासन वाली माता के बिल्कुल बीचों बीच में हैं, तो यहाँ पर बहुत जंगल है, तो अभी हमको शेर का डर लग रहा है, तो डरते डरते इधर उधर देखते जा रहे हैं। तो इधर पानी भी है, डल भी है, तो अब इधर से आगे जाएंगे हम डंडासन वाली माता के पास। तो यह हमारा एवरग्रीन पॉन्ड है, तो इसमें पानी है, आपको दुनिया के किसी कोने में भी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें पानी मिलेगा क्योंकि इसमें पानी कभी भी खत्म नहीं होता है, वो इसमें नीचे से निकलता है जमीन से पानी इसमें। विमल, अभी घास भी लगा है। विमल, इतना क्या है इस पॉन्ड में कि इधर आपको हर टाइम पानी मिलेगा? भाई इसमें हर टाइम पानी मिलेगा, दुनिया किसी कोने में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस पॉन्ड में पानी मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें अभी घास भी लगा, इधर भेड़ बकरियां भी जाती है और हर्ष भी जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे डंग भी लगा है। तो रुको, अब इसको हम फोड़ते हैं, तो अब इसको हम तोड़ते हैं, तो ये देखो बहुत सख्त है, ये देखो। तो ये देखो, तो इसका हम थोड़ा सा टुकड़ा भी निकालते हैं, लेकिन ये निकल रहा कि नहीं है क्योंकि ये घास से है, तो इसका हमने निकाल दिया, जैसे शीशा है शीशा। तो ये देखिए किस टाइप का है, अब इसको हम फेंकते हैं, वो टूट गया, तो इसमें लगा है, तो मेरा हाथ भी ठंड हो गया। तो हम अब डंडासन वाली माता के पास पहुंचे हैं, तो आज पहुंचने वाले हैं, अब पहुंचे सामने है मंदिर भी, तो यहाँ पे मेला लगता है नवरात्रों में, तो यहाँ पे नवरात्रों में वो 25 हाड़ देसी मीना। हाँ, तो इधर लहंगा लगता है पूरा, तो अभी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं हम। वीडियोस काफी डाली हुई हैं, ये डाली हैं आपने, बहुत सही। तो अभी हम थोड़ा सा वेलकम कर, तू कैमरे को बैक कर और दिखा मंदिर कैसा है, तो मंदिर दिखाएंगे। ये मंदिर है माता का, और यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बड़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो यहाँ पे शेड भी आजकल बने हुए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है हमारे मंदिर के पास। एक शेड यहाँ बना हुआ है ये वाला, उसके बाद एक यहाँ पे बना हुआ है, अगर कभी बारिश लगी हो या कभी बैठना बंद तो हम वहाँ बैठ सकते हैं, और दो शेड यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो अब जो भी हमारे विमल जी हैं वो कुछ यादें बताएंगे आपको यहाँ की, कुछ उनकी यादें, कोई है कोई याद आपकी यहाँ पे? हाँ भाई है ना। कौन सी याद है? इधर बैट बॉल खेलने ये बोलिया के लड़के भी आते हैं। हाँ, हम बैट बॉल खेलते थे उस टाइम आते थे हम, फिर इधर पर हमने खेलना पकना पकाई। हाँ, तो बहुत टाइम यहाँ पे खेलते हैं हम, फिर मंदिर के पास जाते हैं, तो इधर से फिर हम सीधा घर को जाते हैं जंगल से। तो आज यहाँ पर तो धर्मशाला भी बनी है, तो आप कब गए हो जो ये इसमें कभी गए हो आप धर्मशाला में? हाँ भाई, इसमें खेला हमने। क्या खेला है? पकना पकाई। किसके साथ खेला है? बहुत लड़के होते थे हम, तो ये तो ये ये नहीं थी तब, तो ये मंदिर है, तो ये वाली धर्मशाला नहीं थी उस दिन, तो तब ये नई बनी है ये वाली। यहाँ पे ये इसलिए बनाई है कि जो खाना शाना बनाते हैं वो यहाँ पे ये चूल्हा बना दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ हैं। डंडासन माता मंदिर के बिल्कुल पीछे कोई 7-8 पॉन्ड छोटे छोटे, देखो यहाँ पे भी ये पानी जमा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे विमल जी इसको तोड़ रहे हैं। रंदेवा हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि ठंड है, ठंड बड़ी ज्यादा यार, बहुत ठंड है। आप ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं इसी से कि ठंड हो सकती है यहाँ पे।
तो भाई अभी हम पहुंचे यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ा पूरा काम करना है। तो इसके बाद वीरू भाई ऐसे जल गए थे कि हाँ भाई लेट हो जाएंगे, लेकिन लेट नहीं हुए हैं। अब वीरू भाई आप भी बोलो एक दो बात। यार हम दो ही लोग हैं यहाँ पे, तो कैमरामैन हमारे पास कोई नहीं है, मैं बोलूंगा तो कैमरा कौन पकड़ेगा। तो इस साइड जाना, हमने अभी थोड़ा सफर है हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हमें अभी दिन तो गुजारना है हमने यहाँ पे। विमल यहाँ का नाम क्या है? यहाँ का नाम है भौंतड़ाग। हाँ भौंतड़ाग यहाँ का नाम है, यहाँ पे काम हो रहा है और बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस डल का नाम है मुगली वाला डल। मुगली वाला डल, इसमें मुगली होती ये है। बीच में मुगलियाँ, ये बीच में। तो यहाँ पे जाना था लेकिन वीरू भाई नहीं दे रहे हैं जाने, बोलते ठंड लगेगी, तो इसलिए हम जा रहे नहीं है। पर अरे मरना कौन थी इसमें, मर जाएगा ठंड से। आज चलते देखते हैं उधर अंदर क्या है। हाँ चलो। अब गर्मी में नीला होता है, अभी ये बिल्कुल सूख चुका है और देखो पानी कितना कलेक्ट हुआ है बारिश से। तो हम इसके बीच में जाने की कोशिश कर सकते हैं अभी। क्या कह रहे हैं विमल, जाएंगे? साइड से जा सकते हैं हम, कोशिश करते हैं, देखते हैं हम जा पाते हैं कि जा पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पैर गीले हो गए फिर ठंड से बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई बात नहीं भाई, अब टाइम हो चुका है, घर को जाएंगे ना सीधा। चल चलो आओ। यहाँ का नाम भौंतराग है और यहाँ पे काम लगा है अभी। तकिरा सिद्धो सिद्धो ऐ ऐ जल्दी जल्दी ठंड लगी। ये देखो गाइस सूज की देखो हालत, देखो पहले इस टिंकू भाई ने क्या अच्छे सब पंगा। तो वीरू भाई चलो अब बाहर निकलते हैं, हम इसमें जा चल। ओ यार सूज गील हो गया, अब यहाँ से निकलने की उपाय। तो विमल जी ये है नज़ारा जहाँ से हम आए थे और हम कहाँ भी पहुँचे हैं, जो पीछे आपको दिख रहा है वहाँ से हम आए थे और यहाँ हमने आना था भौंतराग। तो अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्या कहना आपको विमल? क्या कहना भाई, कुछ भी नहीं। अभी सब कुछ गायब हो गया है। क्या हो गया, हो गया थके? थके नहीं यार, अभी हमने इधर चढ़ना है तो अभी आप अभी थक गए यार। अभी कहाँ थके हम, अभी हमने वो ऊपर दूर जाना है, ऊपर जाना है अभी टॉप पे। चलो तो हमारे वीरू भाई थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, पानी पी रहे हैं, तो बहुत दूर से चल के आ रहे हैं ये। तो वीरू भाई थके हो आप कितने से? बहुत ज्यादा। तो अभी इधर ऊपर चलना, आपने कैसे चलना है? मेरे पीठ पे चलना है। मेरे पीठ पे चलना है। हमें आप एक बताओ कैसा फील हो रहा है आपको, इतना चल के बताओ हमें भी जरा। भाई बहुत बुरा हो रहा है। सुबह तो आप बहुत एनर्जी लेकर आए थे भाई, सुबह से लेकर चल रहे हैं अभी तक। हाँ। टाइम क्या है अभी? टाइम 11:30 बजने वाले हैं बस। हाँ। सुबह 8 बजे से चल रहे, 8:30। हाँ यहाँ देखो जरा, तो अभी देखो हमारा मुझे जैसे लग रहा है। तो ये है हमारा टारगेट जहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे बर्फ है दिख रही है, तो जहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ का नाम क्या है विमल? यहाँ पे नाम है जंत्रों धार। नहीं 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 जंत्रों धार आगे हुई कहाँ? ये वो पंतल शिरे।
आपको अपना पता नहीं है यार। यार अभी बहुत थके हुए हैं। हाँ। तो अभी बर्फ के पास जाएंगे, यहाँ पे अभी बर्फ में मस्ती करेंगे बस। ये है हमारा पुंतल शिरे का एरिया और ये है जी टॉप पुंतल शिरे का। और मेरे विमल जी का पेट फुल हो चुका है और अब वो बैग को पैक कर रहे हैं, अब उन्होंने वापस जाना है। अभी हम मुदरी टॉप के बिल्कुल पास में हैं और विमल जी बहुत आग जली है लास्ट में, थोड़ी सी हाँ। थोड़ी सी आग सेक के जाते हैं। अच्छा, आग सेकनी है? भाई चलो आग हम नीचे भी जला सकते हैं। आओ हमारे पास भी नहीं है। विमल इस जगह को जानता है तो? हाँ भाई, इस जगह को कैसे भूल सकते हैं, इधर तो हम मैच खेलते हैं। तू खेलते हैं यहाँ पे? और क्या, छोटे बच्चों के साथ कि बड़े बच्चों के साथ खेलते हैं? छोटे बच्चे हम खेलते हैं नहीं तो। हाँ। ओ यार, क्या नाम है यहाँ का? शिलेकुंडन। शिलेकुंडन भाई, यहाँ पे बहुत मैच खेला, इधर नीचे कौन दौड़ता था, कैच क्या आते हैं इधर। अच्छा अच्छा, यहाँ नीचे बॉल जाता था। तुम कितने रन मारे इधर? मैंने भाई एक ही छक्का मारा था बस। चल चलते हैं पिच के पास। चलो ये पिच है हमारी विमल की। ओए चल बॉलिंग कर, झूठ मूठ की जल्दी कर।
तो भाई यहाँ पे पहुँच गए अभी हम केलेकुंडा। तो यहाँ पे देखो चारों तरफ जंगल है, सिर्फ यही है इधर खेलने के लिए। यहाँ पे खेलते हैं हम उड़स बॉल से। तो अब हम जा रहे हैं घर। हमारा ये व्लॉग ऐसे ही था, बिना किसी प्लानिंग के। हम किसी काम से ऊपर आ रहे थे तो सोचा चलो आज पहली बार व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी हमें बहुत ठंड लगी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाइस बाय, अब हम जा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम बहुत अगर ये व्लॉग चल पड़ा, अगर ये लोगों ने देखा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि फिर हम और वीडियोस बनाएंगे। बाकी ये तो एक्टर्स साहब तो हमारे हैं, आपको तो आप इनको जानते हो, ये हमारे प्यारे स्मिथ एक्टर हैं। इनका रियल नाम स्मिथ है, इनको विमल में प्यार से बुलाता हूँ वैसे ही। तो अब हम ओके बाय, फिर हम अगर ये व्लॉग अच्छा चला तो फिर हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। बाय गाइस।